शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काव्या, अगर ऐसी बात तो अपनी आंखें बंद करो, देखना तुम्हें वही करण नजर आएगा जो अभी तुम्हारी नजरों से दूर जा रहा है। ये तो वही करण है। करण और काव्या दो शरीर और एक आत्मा है, पर हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। I promise. काव्या, करण, अब आप काव्या की मांग अपने हाथों से भरी। दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। पति पत्नी के रिश्ते की ये नई शुरुआत है और आपकी ये नई शुरुआत हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। इसीलिए आज शाम हम हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। मेनका जी, अम्मा जी, भानु तो यहाँ है नहीं और रॉकी को चोट लगी है, तो आज शाम की पार्टी का इंतजाम तुम्हें करना होगा। कर पाओगी ना? जी अम्मा जी, सब तैयारियां कर लूंगी। अब आप दोनों अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। जी दादी माँ। अरे जल्दी आइए पार्वती जी, देखिए कितना वक्त हो गया है, देर हो रही है। अरे आई आई आई, अभी आई। अरे कहाँ रह जाती हैं आप? थैली ले रही। अरे आपके थैली और के चक्कर में तो अभी कौन फोन कर रहा है? भवानी जी का कॉल, कहीं फिर से कुछ? आप एक बार कॉल उठाइए तो सही। नमस्कार भाई साहब। करण और काव्या के एक होने की खुशी में आज शाम हमने हवेली पर पार्टी रखी है, आप सब जरूर आइएगा। अरे वाह भवानी जी, एक माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ पार्वती जी। जी भवानी जी, हम जरूर आएंगे। जरूर मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्ते।
अरे खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम उन दोनों के रिश्ते को नहीं तोड़ पाओगे। अरे तो क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझसे काव्या और करण की नजदीकी बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं हो रही मुझसे बर्दाश्त। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, पर कोई ऑप्शन है? है। क्या ऑप्शंस है? और हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं बहुत कुछ करूंगा। क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? आपको उस काव्या का चौथा वचन याद है? हम दोनों पति पत्नी अपने बीच किसी तीसरे इंसान को आने नहीं देंगे, याद है? तुम इस चौथे वचन से खबरदार? हाँ खबरदार, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई क्या कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुमने काव्या और करण के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अरे उस बुढ़िया को पता चलेगा ना अगर, तो जान से मरवा देगी तुम्हें भी और मुझे भी, धक्के देके हवेली से बाहर निकाल देगी। हो गया? कितनी मासूम आत्मा। काव्या और करण के बीच जो तीसरा इंसान आने वाला है वो मैं नहीं। तो फिर कौन है? उस तीसरे शख्स का नाम है कुणाल गायत्री सिंह। चैलेंज करती हूँ कि इस हवेली को वापस पाने के लिए तो मुझे जो टास्क दोगे वो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि काव्या सुहागन है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। सच यही है कि मैं ही हूं करण प्रताप सिंह। काव्या, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। काव्या, कुछ नहीं। पहले आप चाहिए। देखिए मैं कह रही हूँ ना, ये देखो सात फेरे क्या हुए, तेवर ही बदल गए। बेचारे पति पे देखो कैसे हुक्म चला रही है ये। नहीं, नहीं, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है मैं ही जाती हूँ। अरे काव्या, मैं मजाक कर रहा था, पहले मैं चला जाता हूँ। नहीं, पहले मैं जाती हूँ। अरे काव्या,
ये पहले आप और पहले मैं के चक्कर में हम यही दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों मिल के जाएंगे अंदर। वन टू एंड थ्री, कमरे के अंदर। ये रहा करण और ये रही काव्या और ये रहा तुम्हारा बेटा रॉकी। अब इन दोनों के बीच आएगा मेरा मोहरा कुणाल। कुणाल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे जो इंसान पूरी दुनिया को अपना मोहरा बनाकर चलता है, तुम उसे अपना मोहरा बनाने का सोच रहे हो? अरे बनाता होगा दुनिया को मोहरा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिछली दफा में से कुछ नहीं इससे दबा के मेरी एक मजबूरी थी। होगा अपने घर का शातिर वो। अरे वो सिर्फ शातिर ही नहीं, हमारा दुश्मन भी है, भूलो मत। दुश्मन था, दुश्मन है नहीं। और दुश्मन की वजह थी मैडम काव्या। और जब काव्या ही उसकी नहीं रही तो किस बात की दुश्मनी माँ? आज की तारीख में हमारा और इस कुणाल का सिर्फ एक दुश्मन है, करण। शांति हो काव्या, जो मुझे ये नई जिंदगी मिली ना, लोगों के लिए तो मैं जिंदा हूं क्या? मैं जिंदा महसूस नहीं कर पाया। चंदी क्यों? क्योंकि जिस काव्या ने अपने प्यार के हर रंग से मेरे जीवन को भरा था, मैं उसी काव्या के दिल में जगह नहीं बना पा रहा था। आज जब मेरी काव्या ने मुझे पूरी तरह से अपना लिया, मैं फिर से जिंदा महसूस करने लगा हूं। I'm so sorry. इतने अच्छे हंसते खेलते माहौल को मैंने इसे सीरियस बना दिया।
कितना नादान हूं मैं। वो तो आप है। पर मुझे आपकी सारी नादानियों से भी प्यार है। एक बात कहूं करण, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी ख्वाहिशें बतानी थी, मेरी इच्छाएं, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी जिंदगी का हर एक पल। पर क्या करूं, आपको बता ही नहीं पाती थी। तो मैंने अपनी ये सारी ख्वाहिशें, सब कुछ एक छोटी सी डायरी में समेट लिया था। और जब भी मुझे मन करता था, मैं और मेरी डायरी दोनों मिलकर बातें करते थे। ये तुमने सही नहीं किया। क्या? मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी और से दिल लगा बैठी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ कहाँ है वो? वो डायरी कहाँ है? चलो बताओ कहाँ है वो? नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे? नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगे? कर भी क्या सकता हूँ उसे ढूंढने के अलावा? फिर मैं उसे आराम से पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हो सकता है, मैं बाद में बता दूंगी ना। अरे नहीं ऐसे कैसे, आज तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। कहाँ जाएगी? सुनिए मेरी बात, मैं कह रही हूँ ना, कल दे दूंगी, मैं पक्का बता दूंगी। मुझे आज पढ़नी है क्या? बाप है करण, इतना छुपा के रखिए, मतलब कुछ खास तो होगा उसमें। नहीं कुछ खास नहीं है। बहुत खास है, मेरे लिए खास है, और यहाँ चेक करना बाकी है। नहीं कुछ नहीं है करण, प्लीज। अरे नहीं करण, इसमें होगा। मेरा मतलब है इसमें, इसमें नहीं है। अच्छा एक मिनट नहीं, ये तो नहीं है ना? नहीं ये वाली डायरी नहीं। यही है। करण। टाटा, मिल गई डायरी। मेरी डायरी वापस कीजिए। देखिए, दूसरों की डायरी पढ़ना बुरी बात होती है। दूसरों की कहाँ है ये? तो मेरी काव्य की डायरी है। बैड मैनर्स। अच्छा पाप लगेगा। किसके लिए? किसके लिए? कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सत्य सत्य कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सत्य सत्य मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? नहीं मानूंगा। अभी बता। ओके शाबाश, वेरी गुड। सही। उफ, क्या हुआ? ये चीटा, ये गलत बात है। ओ मिस्टर डायरी, अब मेरे पास आ जाओ क्योंकि आपका काम खत्म हो चुका है। अभी इनके पतिदेव वापस आ चुके हैं। चलो लौटा दो। नहीं प्लीज, नहीं जबरदस्ती ले लो। ओ
तो ये बात है। देखो तुम्हारे पति परमेश्वर तुम्हें आदेश देते कि ये डायरी मुझे दे दो। डायरी तो नहीं लौटाऊंगी, क्या कर लोगे? अबे तो कवि कहते हैं, नहीं यहां काव्या कहती है, मेरे सपनों का राजकुमार शादी के बाद मुझे चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे मिले। और फिर हम घंटों उस आसमान की चादर के नीचे प्यार के तो बोल गुनगुनाए। ऐसी हो हमारी सुहागरात। ऐसा ही होगा हमारा मिलन। बेल एप्लीकेशन बहुत मुश्किल से मंजूर हुई है, इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप करण के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं। करण के साथ क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ। काव्या को मुझे किसी भी हाल में करण के चंगुल से बचाना है। करण, अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। रुको! काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।